नंबर एक करिश्मा कपूर। 25 जून 1974 में कपूर फैमिली में आंख खोलने वाली इस हसीना ने स्क्रीन पर वो जलवे बिखेरे हैं जिसके चर्चे एशिया के कोने कोने में गूंज रहे हैं। सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म डेब्यू करने वाली इस अदाकारा की पहली फिल्म प्रेम कैदी थी, जिसमें करिश्मा ने नीलमा के नाम से मेन रोल किया था। फिर इस शातिर हसीना ने कामयाबियों के झंडे गाड़ना शुरू किए, मगर इस परफेक्शन के साथ अदाकारी करने वाली करिश्मा सिर्फ छठी यानी सिक्स्थ पास है। क्यों नाजरीन, लगाना झटका, मगर क्या करें, आपकी फेवरेट अदाकारा इसी लेवल की है। नंबर दो, दीपिका पादुकोण। ओम शांति ओम जैसी सुपरहिट फिल्म से अपने करियर का आगाज करने वाली दीपिका 5 जनवरी 1986 को पैदा हुई। मॉडलिंग के शोबे से अदाकारी में कदम रखने वाली ये दुशीजा कई नामवर मूवीज में काम कर चुकी हैं। कई इंग्लिश सीन में आप इसकी इंग्लिश फ्लुएंसी को देखकर मुतासिर भी हुए होंगे, मगर ये मौसूफा मैट्रिक के बाद स्कूल नहीं जा सकी क्योंकि इनकी रैंप वॉक पर असर पड़ने लगा था, जिससे इस देसी गर्ल ने नौटंकीबाजी को तरजीह दी। नंबर तीन, आमिर खान, जिन्हें सारी दुनिया आमिर खान के नाम से जानती है। दरअसल उनका पूरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है। 14 मार्च 1965 को एक फिल्मी घराने में आग खोलने वाले आमिर खान ने आज तक बेशुमार सुपर डुपर हिट फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी हैं। 1988 में रिलीज होने वाली इस स्टार की पहली फिल्म कयामत से कयामत तक शायद ही किसी ने न देखी और सुनी हो। बॉलीवुड में जहीन तरीन एक्टर कहलाने वाले आमिर 9th फेल है। क्या ये खुला तजाद नहीं है दोस्तों? नंबर चार, आलिया भट्ट। इस यंगेस्ट एक्ट्रेस को हर कोई जानता होगा। छोटी सी उम्र में इस क्रिस्टल लेडी ने बड़े बड़े अदाकारों के दिल मोह लिए हैं। 15 मार्च 1993 को पैदा होने वाली आलिया भट्ट ने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत रखा है। इन कामयाबियों को अगर उनकी तालीम से जोड़ा जाए तो इस मैदान में सब इसके बरक्स है, क्योंकि आलिया मैडम मैट्रिक फेल हैं। मैट्रिक तो फेल ही है, मगर उन्होंने कवारों को भी फेल कर रखा है। नंबर पांच, टाइगर श्रॉफ। सन 2012 में अपनी पहली ही फिल्म से राज करने वाले इस खूबरू जवान ने शोहरत की उस बुलंदी को छुआ है कि हर कोई इस पर रश करता दिखाई दिया। भागी जैसी बड़ी फिल्म में काम करने वाले टाइगर अपने इल्म के हिसाब से छोटे निकले, अपने बड़े नाम की तरह तालीम हासिल नहीं कर पाए। फर्स्ट ईयर में उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। उसके बाद इस फिल्मी टाइगर ने कभी इल्मी टाइगर बनने की कोशिश नहीं की। नंबर छह, सलमान खान। अब बात करते हैं सल्लू भाई की। फिल्म तेरे नाम से फेमस होने वाले सलमान की पहली फिल्म सन 1988 में रिलीज हुई। उस फिल्म का नाम बीवी हो तो ऐसी था। 27 दिसंबर 1965 को पैदा होने वाले सलमान 52 साल के हो चुके हैं। अपने काम में महारत और तजुर्बा रखने वाले सलमान खान की डिग्री के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। हम आपको बता ही देते हैं कि आपके सलमान भाई सिर्फ 8वीं पास हैं। वाह रे सल्लू, तेरे अंदाज। नंबर सात, शाहिद कपूर। कपूर फैमिली से ही ताल्लुक रखने वाले एक और अदाकार जो कि 25 फरवरी 1981 को मुंबई में पैदा हुए। मुतादिद अवार्ड अपने नाम करने वाले शाहिद कपूर ने एक मुनफरिद किरदार फिल्म इंडस्ट्री को दिया है। इस खूबसूरत नौजवान की एजुकेशन भी बाकी अदाकारों से मिलती जुलती ही है। ये साहब 10th क्लास में फेल हो गए थे, मगर फिर फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें ड्रामेबाजी की क्लास मिल गई, जिसमें इस ड्रामेबाज ने खासे अच्छे नंबर हासिल कर लिए।